हेलो दोस्तों दोस्तों आज हम समझेंगे कि जो ग्रॉसरी है, ग्रॉसरी को दो तीन नामों से जाना जाता है। सुपरमार्केट कुछ ज़्यादा ही बड़ी जो शॉप होती है, और डिपार्टमेंटल स्टोर भी कहा जाता है, और कुछ ग्रॉसरी। ग्रॉसरी में मेन ग्रॉसरी जैसे वेजिटेबल्स वगैरह आ जाते हैं, लेकिन इनका सेटअप जो होता है वो कुछ एक ही तरीके का होता है। तो आप इस चीज़ से लेकर कन्फ्यूज़न बिल्कुल भी मत रखना। तो हम स्टार्ट करते हैं ग्रॉसरी शॉप के कंप्लीट एक सेटअप को, कि कैसे इसको मतलब हम सेटअप करें और आपको जो जो फीचर्स चाहिए वो कैसे इसमें मिलेंगे। सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आप मार्क का जो सॉफ्टवेयर लेने वाले हैं, वो ये जो पूरा वर्क है सिल्वर एडिशन में होगा, ना कि बेसिक एडिशन। कोई पर्सन अगर आपसे कहता है कि बेसिक एडिशन में पॉसिबल है, तो वो बिल्कुल झूठ कह रहा है। आपको सिल्वर एडिशन ही परचेज करना पड़ेगा अपनी ग्रोसरी शॉप को सारे फीचर यूज़ करने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मेनू से बात कर लेते हैं। आपको इसमें मास्टर का मेन्यू मिल जाता है, जिसमें आप अपने सारे लेजर आइटम और अपने ओपनिंग बैलेंस वगैरह मेंटेन कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन में आप अपनी सेल परचेज, सेल रिटर्न, स्टॉक इशू, स्टॉक रिसीव, अगर आपका होम डिलीवरी वाला वर्क है तो आप डिस्पैच मैनेजमेंट को भी यूज़ कर सकते हैं इसमें। फिर उसके बाद आपका अकाउंट सेक्शन है। अकाउंट सेक्शन में आप जितनी भी पेमेंट से रिलेटेड चीज़ें हैं, कि अगर आप किसी को भी उधार देते हैं, अगर उसका पैसा आता है, या आप अपने वेंडर की पेमेंट करते हैं, तो वो सारी की सारी चीज़ आप अकाउंट से करेंगे। बैंकिंग में क्या है कि मार्क पे का आप देख भी रहे होंगे, राइट हैंड साइड पे एक एडवर्टीजमेंट भी चल रहा है जो कि मार्क पे है। मार्क पे एक पेमेंट गेटवे है, जिस पर रजिस्टर करके आप पेमेंट का लिंक जनरेट कर सकते हैं और डायरेक्टली अपने कस्टमर को भेजकर अपने पैसे को मंगवा सकते हैं। उसके बाद है बुक्स। बुक्स में जितने भी आपकी बुक्स हैं, चाहे सेल एंट्री की बुक हो, परचेज एंट्री की बुक हो, डेबिट नोट हो, क्रेडिट नोट हो, या डेटर हो, क्रेडिटर हो, सारे के सारे आप वो यहाँ पे देख पाएंगे। फाइनल रिपोर्ट में जो भी आपका फाइनल रिजल्ट होगा, ट्रायल बैलेंस का, प्रॉफिट एंड लॉस का, बैलेंस शीट का, तो वो सारे के सारे आप यहाँ पे देख पाएंगे। जीएसटी के लिए एक अलग ही सेपरेट मेनू है। जीएसटी से रिलेटेड जो भी आपका क्वेश्चन होगा, वो सारे के सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। जैसे हमारे को अकाउंटेंट को रिपोर्ट देनी होती है, सीए को रिपोर्ट देनी होती है, तो वो सारे का सारा आप यहाँ पे देख सकते हैं। और जो भी उनको रिपोर्ट का फॉर्मेट चाहिए, चाहे वो सीएसवी मांगते हैं आपसे, जेएसएन मांगते हैं, एक्सेल मांगते हैं, प्लेन एक्सेल मांगते हैं, वो सारे के सारे आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और ई वे बिल का भी एक सेपरेट मेनू है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आप अगर एक होलसेलर हैं, अगर आपको ज़्यादा नीड है ई वे बिल की, कि आप डायरेक्टली अपने सॉफ्टवेयर से ही ई वे बिल जनरेट करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। स्टॉक में जितने भी आपके स्टॉक से रिलेटेड फीचर हैं, आप अपना करंट स्टॉक देख सकते हैं, फिल्टर स्टॉक, जैसे कि आपके ग्रॉसरी में आपके हजारों स्टॉक हो जाते हैं, लाखों स्टॉक हो जाते हैं, तो स्टॉक को आप फिल्टर कर सकते हैं, कंपनी वाइज, कैटेगरी वाइज, ग्रुप वाइज जो है फिल्टर कर सकते हैं। उसके बाद आप अपनी एमआरपी को भी मेंटेन कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसमें एक्सपायरी वगैरह, जैसे आपकी ग्रोसरी में एक्सपायरी प्रोडक्ट भी कुछ होते हैं, तो उसको भी आप मेंटेन कर सकते हैं, और यहाँ से उसकी रिपोर्ट वगैरह आप ले सकते हैं। डेली रिपोर्ट में जो भी आपका डे क्लोज रिपोर्ट होगा, वो सारा का सारा आप यहाँ पे देख पाएंगे कि कितने चालान जनरेट कर दिए हैं, होम डिलीवरी सिस्टम जो आप रखते हैं, डिस्पैच मैनेजमेंट वो क्या चल रहा है आपका, वो सारा का सारा आप यहाँ से देख सकते हैं, चाहे सेल हो, परचेज हो, इन्वेंट्री हो। रिपोर्ट में आप पूरी की पूरी एमआईएस रिपोर्ट देख सकते हैं, पूरी ब्रीफ रिपोर्ट, जिसमें कि आप अपने कंपनी का पूरा सिस्टम देख सकते हैं, कि आपकी कंपनी अभी कहाँ पर है, सेल में कहाँ है, परचेज में कहाँ है, इन्वेंट्री में कहाँ है, वो सारी की सारी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। हॉट कीज में कुछ जो है, मतलब कीज इसमें नहीं दे रखी, तो वो एक सेपरेट मेनू बना के मार्ग ने दिया हुआ है, जिसमें आप उस हॉट कीज को यूज करके डायरेक्टली उस ऑप्शन पे पहुंच सकते हैं। लिंक्स में कुछ जो है वीडियो वगैरह के लिंक्स हैं, क्लिक करेंगे तो आप वहां पे जाएंगे, आपको सॉल्यूशंस मिलेंगे। और एग्जिट में कुछ जो मार्क के वेबिनार होते हैं, उस वेबिनार की डेट एंड टाइम देखकर आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं अब मास्टर की। कोई भी अगर आपको लेजर क्रिएट करना होगा, तो आप यहाँ से कर सकते हैं, चाहे वो आपके सेल का हो या परचेज का हो। अगर आपको आइटम क्रिएट करना होगा, तो आप आएंगे आइटम मास्टर पे और आइटम मास्टर में, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है मार्क आपको बहुत सारी इन्वेंट्री पहले से बनी बनाई देता है। और अगर आपको फिर भी अपनी इन्वेंट्री बनानी है, जैसे कि ये तो कुछ पुरानी इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री भी अपडेट होती रहती है, तो आप यहाँ पे F2 करके अपनी नई इन्वेंट्री बना सकते हैं। जैसे F2 करेंगे, एक फॉर्म ओपन हो जाएगा और उसकी ही डिटेल आप देखकर डाल सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट में आप प्रोडक्ट का नाम डाल सकते हैं, सपोज पार्ले जी 210 ग्राम, और उसका बारकोड, अगर उसका बारकोड है तो आप बारकोड डाल देंगे।
उसके बाद फिर वो किस कंपनी का है प्रोडक्ट, किस ग्रुप में आप डालना चाहते हैं, क्या कैटेगरी डालना चाहते हैं, क्या टैक्स कोड है उसका, ये सारा का सारा आप यहाँ पे जान सकते हैं। अब इसकी लिस्ट वगैरह खोलनी है तो आप कैसे खोलेंगे, एन के बटन पे ही आप एंटर मार दें या क्लिक कर दें और सारी की सारी लिस्ट आपकी खुल जाएगी। और यहाँ पे भी अगर आपको कुछ बनाना है तो F2 करके आप बना सकते हैं। और दूसरा है इसमें रैक नंबर कि ग्रॉसरी स्टोर में क्या है, सबसे ज़्यादा रैक्स बने होते हैं। अगर आप अपनी इन्वेंट्री के अंदर रैक नंबर डालते हैं तो आपको बहुत ईजी हो जाता है कि जब भी आप सेल करेंगे तो आप उसी रैक में डायरेक्टली पहुँचेंगे जहाँ पर आपका आइटम है। अगर आप डालते हैं तो बहुत अच्छे से इसे यूजफुल बना सकते हैं। उसके बाद आपका टैक्स, उसके बाद आप अपनी MRP डालेंगे, जो भी उसकी MRP है, जो भी आपका परचेज रेट है परचेज रेट डालेंगे। कॉस्ट ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपने आप निकाल के लेके आता है। सेल आउट आपको कितने में करना है ये बता देंगे। और नीचे जितने भी आप ऑप्शन देख रहे हैं सभी एक ऑफर्स के ऑप्शन है कि जो भी आपको ऑफर वगैरह चलाना है, डिस्काउंट चलाना है, इस चीज़ के ऊपर है। तो अभी मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो ये देखिए आपका आइटम बन चुका है 210 ग्राम का। ये मैंने एक ऐसी टेस्ट बनाया है, 210 ग्राम का कोई पार्ले जी आता नहीं है, 250 आता है और बाकी उससे बड़े पैक आते हैं। तो ये मैंने फॉर एग्जांपल के लिए आइटम क्रिएट किया है। और ऐसे ही आपको अगर ओपनिंग बैलेंस डालना है स्टॉक का तो आप स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस डाल सकते हैं। जैसे अभी आप रनिंग मोड में आए हैं, आप पहले मैन्युअली वर्क करते थे और जितना भी आपके पास स्टॉक अभी अवेलेबल है वो सारा का सारा आप इसको ओपनिंग स्टॉक में डाल देंगे। तो जैसे कि मैं पार्ले जी को ही ले लेता हूँ, जो मैंने आइटम बनाया है पार्ले जी 210 ग्राम का, इस पर आप एंटर करेंगे। जैसे 10 रुपये की MRP ही वाला, मेरे पास कम से कम 100 पीस है। और उसके बाद परचेज रेट वगैरह डालना चाहें तो डाल सकते हैं। और यहाँ पे आप डेट डाल देंगे कि आप ये जो स्टॉक है ये कौन सी डेट तक का स्टॉक है। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। उसके बाद फिर क्या है कि जो बिस्किट है उसका बारकोड आप यहाँ पे स्कैन कर देंगे। जो भी बारकोड होगा वो स्कैन हो जाएगा यहाँ पे, जितने भी मल्टीपल बारकोड होंगे आप स्कैन कर दोगे। उसके बाद इसको आप Ctrl+W करेंगे और यहाँ पे एंड के बटन से इसको सेव कर देंगे। तो इस तरीके से आप अपने सारे के सारे यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक डाल सकते हैं ट्रांजेक्शन में। उसके बाद फिर आपको सेल परचेज मिल जाता है। जैसे कि मैं पहले परचेज कर लेता हूँ अपने उसी आइटम को, तो इसमें डेट गलत है सिस्टम में। तो मैं अब जैसे ही आप इसको परचेज कर रहे हैं, कोई भी आपको लेजर बनाना हो परचेज का तो यहीं से आप F2 प्रेस करके आप लेजर बना सकते हैं। और उसकी डिटेल भी आप डाल सकते हैं। और यहाँ पे एड्रेस, जो भी डिटेल्स है, जो एक फर्म के अंदर जो डिटेल्स डालनी होती है वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं देख के। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। और पार्टी नंबर में आपको डालना होता है इनवॉइस नंबर। और अब हमने इसका GST नंबर डाला नहीं है इसलिए टैक्स के लिए पूछ रहा है कि आपने दिया है या नहीं दिया। तो मैं इसको यस कर देता हूँ अभी। और उसके बाद मैं वही आइटम ले लेता हूँ जो मैंने बनाया है। तो देखेंगे आपकी 100 पीस इसमें ऑलरेडी शो कर रहा है मुझे, क्योंकि 100 पीस का हमने ओपनिंग स्टॉक डाला हुआ है। और अब मैं जो है इसमें 80 पीस ले लेता हूँ। अगर आपको डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, सपोज़ कि ये मेरा आता है परचेज रेट 9 रुपये में, 7 रुपये का परचेज रेट है। और डिस्काउंट अगर आपको कोई आता है तो आप डिस्काउंट डाल सकते हैं। अगर आपको कोई Discount 2 आता है, और जो यहाँ पे नीचे देख रहे हैं आप, अगर डिस्काउंट कोई 3 भी देता है आपको तो वो भी डाल सकते हैं। कोई अगर चौथा भी डिस्काउंट दे रहा है तो आप डाल सकते हैं। तो डिस्काउंट इसके अंदर इतने सारे हैं कि आपके पास आपका कोई भी वेंडर किसी भी तरह से डिस्काउंट दे रहा है आपको तो आप वो डिस्काउंट डाल सकते हैं। तो देख रहे होंगे कि यहाँ पे पहले से ही बारकोड 3 इंस्टॉल है। अब हम और 80 पीस डाल रहे हैं, तो अगर उसका बारकोड अलग है तो उसको भी आप स्कैन कर देंगे। स्कैन करने के लिए वही आपके पास एक बारगन होनी चाहिए, उसको आप स्कैन कर देंगे। उसके बाद Ctrl+W से सेव करेंगे। और भी इन्वेंट्री है तो आप ऐसे ले सकते हैं। उसके बाद इसको सेव करने के लिए आप Ctrl+W ही करेंगे यहाँ पे, और इसे यस करेंगे। और इस पोर्शन को आप स्केप कर दें और इसको भी नो करें, एंटर करके इसको सेव कर देंगे। तो इस तरीके से आप अपनी सारी की सारी परचेज डाल सकते हैं। और सेल के लिए आप डायरेक्टली एंटर करेंगे। और उसके बाद कस्टमर का, जैसे कि आपके इसमें मोबाइल नंबर बहुत है तो चलता है, इसी के बेस पे जो है आपका डेटाबेस सेव किया जाता है। तो आप कस्टमर का मोबाइल नंबर लें। अगर कस्टमर पुराना होगा तो ऑटोमेटिक नेम आ जाएगा, कस्टमर अगर नया है तो ये आपसे बोलेगा फीड करने के लिए। तो आप इसे यस करें और उसका नाम डाल दें आप।
और भी डिटेल्स है कस्टमर की, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ वगैरह। फर्स्ट टाइम में इतनी डिटेल्स कस्टमर नहीं देगा आपको, नाम और नंबर ही बताता है। जब कस्टमर आपके पास रिपीट होने स्टार्ट हो जाए तो आप इसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं बाद में। तो देखेंगे कि अब मैंने ये डाल दिया है, एड्रेस हमने डाला नहीं था, तो अब मुझे इसे क्या देना। तो यहीं पे क्या है कि आप स्कैन करेंगे आप अपने बारगन से उस पार्ले जी के पैकेट को, तो जैसे ही आप स्कैन करेंगे तो ऑटोमेटिक वो आइटम निकल कर आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए मैं सर्च कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे पास वारगन नहीं है अभी, और उसके बाद आप देख रहे होंगे कि ये आइटम डल गया। अगर आपको क्वांटिटी ज़्यादा देनी है तो इसी के ऊपर जाके आप क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। ऐसे ही आप क्या है स्कैन करेंगे, ऑटोमेटिक ये सारी डिटेल फिल होके आ जाएगी एक एक क्वांटिटी में। अगर ज़्यादा क्वांटिटी तो आप ऐसे भी जा सकते हैं ऊपर, नहीं तो उसको 5 बारी स्कैन कर सकते हैं। उसके बाद आप इसको सेव करने के लिए कंट्रोल W ही करेंगे यहाँ पे, और उसके बाद आप पेमेंट मोड पे पहुँच जाएंगे। अगर पेमेंट किसी भी मोड से आपको करता है आपका कस्टमर, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। सपोज कि 4500 रुपये का बिल है, 20 रुपये उन्होंने कैश दिए हैं, और बाकी जो पैसे बचे हैं 25 रुपये उन्होंने क्रेडिट कार्ड से पे किए हैं। जो भी उसके लास्ट डिजिट का जो भी क्रेडिट कार्ड है, लास्ट 4 डिजिट जो लिखते हैं, उसके बाद जो स्लिप निकलती है, उस स्लिप का कुछ नंबर आप यहाँ पर नोट डाउन कर लेते हैं, ताकि इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम आए तो आप इसको देख सकें। उसके बाद आप जब ये ट्रांजेक्शन हो जाए, उसके बाद एंड का बटन दबा के आप इसको सेव कर देंगे, और फिर उसके बाद जैसे ही एंटर करेंगे आपका बिल निकल कर आ जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। ये बिल जो है 3 इंच के जो थर्मल प्रिंटर जो होता है उसी का एक ये मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ। जो इसमें इनवॉइस है वो पूरा का पूरा कस्टमाइजेबल है। आप अगर अपने हिसाब से कोई इनवॉइस चाहते हैं, या कोई लाइन चाहते हैं, या कुछ भी आप इस पे चाहते हैं, तो आप वो करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या है सेल कर सकते हैं। अब सपोज कि वही कस्टमर आपके पास रिपीट हो रहा है, तो देखिए मैं मोबाइल नंबर डालता हूँ सेम। जैसे ही एंटर किया तो ऑटोमेटिक राहुल शर्मा हमने पहले क्रिएट किया हुआ था, तो ऑटोमेटिक आ गया ही। अगर कोई नया कस्टमर होगा तो उसके लिए इंटीमेशन आपको दे ही देगा, उसके बाद आप इसको सेल कर सकते हैं। तो इसी तरीके से क्या है सेल रिटर्न भी आप कर सकते हैं। जैसे कि आपने किसी को सामान बेचा, उसके बाद वो कुछ सामान उसमें से वापस करता है, या पूरा बिल आपको वापस करना पड़ कभी कभी लेना पड़ जाता है, तो आप सेल रिटर्न कर सकते हैं। और परचेज रिटर्न भी आप डाल सकते हैं। कभी कभी जो परचेज हमारे पास आती है उसमें आइटम शॉर्ट होते हैं या फिर रेट ज़्यादा लगे होते हैं, तो जिसके लिए हम परचेज रिटर्न बनाते हैं, तो वो आप यहाँ से बना सकते हैं। और जो इसमें यूज़ होने वाली जो चीज़ें हैं, अगर आपके पास गोडाउन है मल्टीपल, तो स्टॉक इशू और स्टॉक रिसीव भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ कि आपकी शॉप कहीं और है और आपके पास वेयर हाउस है 2 से 3 जगह, तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और सेल ऑर्डर है, आप सेल ऑर्डर पहले से लेना चाहें कस्टमर का डालना चाहें, जैसे कि होता है कि आप होम डिलीवरी में ज़्यादातर आपका ये यूज़ होगा कि आपके पास कॉल्स आएंगी कि हमें ये सामान चाहिए, और उसका आप जो है सेल ऑर्डर यहाँ से ले सकते हैं, ताकि जब उसका ऑर्डर प्रिपेयर्ड हो जाए तब आप उसका इनवॉइस जनरेट करके दे दें। और फिर इसी को यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे डिस्पैच मैनेजमेंट से आप ये पूरा का पूरा देख सकते हैं यहाँ पे कि कितने ऑर्डर आपके पेंडिंग है, कितने ऑर्डर जा चुके हैं, कितने ऑर्डर आपके डिलीवर हो चुके हैं। तो ये सारे के सारे सिस्टम भी इसमें पहले से बने बनाए हैं। और जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है ट्रांजेक्शन इम्पोर्ट। जैसे कि परचेज चढ़ाने में बहुत समय लग जाता है, जो भी परचेज आते हैं, और आते भी आपके बहुत सारे जो है परचेज, मतलब बल्क में ही आपके आइटम आते हैं, तो उन आइटमों को आप जो है जो आपकी परचेज है आप एक्सेल में ले सकते हैं। यदि कोई मार्ग ही यूज़ कर रहा है तो आप उसका मार्ग का एक बिल एक्सपोर्ट होता है वो ले सकते हैं, या कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा है तो आप उससे GST स्टैंडर्ड बिल इम्पोर्ट जो है फॉर्मेट ले सकते हैं, GST स्टैंडर्ड बिल फॉर्मेट ले सकते हैं। तो क्या करेंगे आप उसको यहाँ पे डायरेक्टली इंपोर्ट कर लेंगे, तो आपको कुछ भी चढ़ाना नहीं पड़ेगा, और सारा का सारा बिल वो आपका इंपोर्ट हो जाएगा। इसमें जो परचेज है परचेज आपकी इस पे इंपोर्ट हो जाएगी, और आपका बहुत कम समय लगेगा परचेज चढ़ाने में। उसके बाद है इसमें अकाउंट्स का, अकाउंट जो भी आप अपने वेंडर को पेमेंट करते हैं, रिसिप्ट करते हैं, वो आप यहाँ से डाल सकते हैं। और भी इसमें ऐसे फीचर्स हैं, PDC के फीचर्स हैं, कि अगर किसी कंपनी को किसी वेंडर को आप देते हैं PDC चेक देते हैं, तो उसको भी आप मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे। और एक इसमें चीज़ और है कि जितने आपके स्टाफ्स हैं, आप अपने सभी स्टाफ का जो है एम्प्लॉय मास्टर बना सकते हैं, उनके डॉक्यूमेंट वगैरह स्कैन करके यहाँ पे रख सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये फीचर दिया हुआ है, इसको फुल्ली यूज़ करने के लिए मार्क का अलग से ही एडिशनल जो है पेरोल सॉफ्टवेयर है, आप उसको परचेज कर सकते हैं। अगर आपको पूरा कम्प्लीटली मेंटेन करना है, EPF, ESI ये सारी चीज़ें मेंटेन करनी है, तो आप खरीद सकते हैं अलग से।
उसके बाद ये पेमेंट गेटवे है। पेमेंट गेटवे में जैसे कि मैंने शुरू में आपको बताया ये कि जो है ये एक पेमेंट गेटवे है, यहाँ से आप पेमेंट गेटवे के लिंक यूज करके आप जो है पेमेंट्स के लिंक्स बना सकते हैं और आप अपने कस्टमर को भेज सकते हैं पेमेंट रीपेमेंट करने के लिए। इसको सबसे पहले रजिस्टर्ड करना होता है, तो इसके लिए आपको मार्क के अकाउंट डिपार्टमेंट में ही कॉल करनी है और वो आपका ये रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कराएंगे, या फिर जिनसे आपने सॉफ्टवेयर परचेज किया है वो उनसे आप कांटेक्ट करेंगे तो ये आपको रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करवा के देंगे। जब इतनी चीजें हो जाती है तो आपको चाहिए होती है जीएसटी की रिपोर्ट्स और आपकी इंटरनली जो प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट्स हैं वो सारी की सारी चीजें आप यहाँ से निकाल सकते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल करके भी दिखा देता हूँ। जैसे मेरे को अपने सीए को GSTR 3 भी भेजनी है, तो आप इसे यस करेंगे तो जो भी जीएसटी से रिलेटेड पैच फाइल होगी वो ऑटोमेटिक अपलोड हो जाएगा, यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा और ऑटोमेटिक इंस्टॉल हो जाएगा। ये कंप्लीट हो चुका है अपडेट, जीएसटी कंप्लीट हो चुका है। अब इसको आप नो ही कर दें या यस कर दें। इसको ये पूछता है सीए की डिटेल की, जिन सीए से आप काम करा रहे हैं उन सीए की डिटेल देनी होती है। आपकी मर्जी, आप दे भी सकते हैं या फिर इसको आप इसे कैंसिल भी कर सकते हैं, कोई कंपलसरी नहीं है कि आप डालेंगे जब ये वर्क होगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको जैसे ही ओके करेंगे तो जो फॉर्मेट्स हैं आप इसको डायरेक्टली प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, एक्सेल निकाल सकते हैं, पीडीएफ निकाल सकते हैं, ई रिटर्न डायरेक्टली कर सकते हैं गवर्नमेंट पोर्टल पे, या जेएसएन निकाल सकते हैं। तो कैसे भी फॉर्मेट अगर आपसे आपका अकाउंटेंट सीए मांगता है तो आप यहाँ से दे सकते हैं। जैसे कि अभी मैं आपको व्यू करा के दिखा देता हूँ, तो ये आपका जो है GSTR 3B की जो कंप्लीट रिपोर्ट है वो है। इसी तरीके से जो है आप अपने हिसाब से जो भी आपके सीए अकाउंटेंट जो भी मांग रहे हैं आप उस पर क्लिक करें और उसको जनरेट कर लीजिए। उसके बाद हम स्टॉक में आते हैं। स्टॉक में क्या है कि आपका जो भी करंट स्टॉक चल रहा है आप यहाँ पे देख सकते हैं, और फिल्टर स्टॉक आपको करना है। जैसे आपके पास स्टॉक जो होते हैं वो बहुत हजारों में होते हैं, लाखों में भी होते हैं, तो आप यहाँ से फिल्टर कर सकते हैं। बहुत सारी यहाँ पे कंपनियां आप देखना चाहते हैं कि सिर्फ मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी का ही प्रोडक्ट देखना चाहता हूँ, तो आप उसे सर्च कर सकते हैं और फिर आपको उसी का प्रोडक्ट दिखेगा। इसको ऑल करें और ये आपको उसी कंपनी के प्रोडक्ट दिखेंगे, अब जितने भी ये प्रोडक्ट आपको दिख रहे हैं। तो ये फिल्टर आपकी बहुत अच्छे से हेल्प करेगा और आपका टाइम जो है जो खराब होने वाले टाइम होंगे उसको बचाएगा। अब एक चीज और है कि इसमें आप किस किस हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं। इसमें आप कंपनी वाइज फिल्टर कर सकते हैं, एमआरपी वाइज फिल्टर कर सकते हैं, ग्रुप वाइज फिल्टर कर सकते हैं। उसके बाद आप मोर ऑप्शन को यस करें और इसमें फिर आप पर्टिकुलर एमआरपी से लेकर पर्टिकुलर एमआरपी को ही सर्च करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। आप अपने वेंडर को सर्च कर सकते हैं कि जो वेंडर आप यहाँ पे सर्च करेंगे वो जो भी इन्वेंटरी आपको देता है वही इन्वेंटरी आएगी, कैटेगरी को सर्च कर सकते हैं आप। ऐसे ही आप देख रहे हैं परचेज टाइप से, आइटम टाइप से, उसके बाद आप रैक नंबर सर्च करना चाहते हैं, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है जिसको यूज करके आप अपने फिल्टर को लगा सकते हैं और अपना टाइम बचा सकते हैं। तो जैसे ही आप इसको जो भी आप वहां पे सिलेक्ट करेंगे उसी से रिलेटेड आपको स्टॉक दिखने लगेगा। तो ये हो गया स्टॉक, और ऐसे ही आपकी डेली रिपोर्ट्स होगी। डेली रिपोर्ट्स में जो भी आपके डेली वर्किंग की रिपोर्ट्स हैं, जैसे चालान वगैरह जनरेट जो किया है उसकी रिपोर्ट देखना चाहते हैं आप, या फिर आप जो है आप जितनी भी आपने डिस्पैच जो कर दी है उसकी रिपोर्ट देखना चाहते हैं कि कितने ऑर्डर्स आपके डिलीवर हो चुके हैं, कितने पेंडिंग है, ये सब सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ से। यहाँ पे आपको ओवरव्यू दिखता रहेगा कि ये डिलीवर्ड है नहीं है डिलीवर्ड, वो कमेंट आपको यहाँ पे दिखता रहेगा। अभी आपको कुछ नहीं दिख रहा है इसमें क्योंकि अभी हमने इसको सेटअप नहीं किया हुआ है, इसके लिए आपको सेटअप करवाना पड़ता है पहले। उसके बाद फास्ट रिपोर्ट है। फास्ट रिपोर्ट में आपको अपने सभी कस्टमरों को, जैसे कि मैंने एक सेल करके आपको दिखाई थी वहाँ पे नंबर मैंने कस्टमर का लिया था, ऐसे ही आप सभी कस्टमरों के नंबर लेते हैं। और कभी आपके पास कोई ऑफर आता है तो आप यहाँ पे SMS एंड मेल पे जैसे ही एंटर करेंगे, और यहाँ पे आपको क्या करना है SMS, और SMS आप टाइप करेंगे, जो भी SMS आप टाइप करेंगे उसके बाद आप Ctrl+W करें, जितना भी आपके डेटाबेस होगा आपके सिस्टम में, और यस करते हैं उन सभी पे SMS चले जाएगा। जैसा कि आपने देखा होगा कि हम किसी बिग बाजार या विशाल मेगा मार्ट इन जगहों से कुछ भी आप परचेज करते हैं और कुछ भी इनके ऑफर्स होते हैं तो हमारे पास मैसेज वगैरह आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसका रीज़न यही है कि वो डेटाबेस इकट्ठा करते हैं और एक ही बार में जो उनके पास ऑफर्स होते हैं वो हमें मैसेज उसका करते रहते हैं।
और उसके बाद जो है इंटरनल रिपोर्ट्स हैं सेल्स की, परचेज की, सेल्स में जैसे मोड ऑफ पेमेंट है, मोड ऑफ करेंसी है, और उसके बाद पार्टी वाइज सेल है, बिल वाइज सेल है, ऐसे बहुत सारे यहाँ पे क्या है सेल्स हैं, आप देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। उसके बाद रिपोर्ट में आपको ब्रीफ सेल्स MIS मिल जाती है कि आपको अगर आइटम वाइज, पार्टी वाइज, कंपनी वाइज देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसी तरह से परचेज है, इसी तरह से आपकी इन्वेंट्री है, और इसमें कुछ मैनेजमेंट रिपोर्ट है। मैनेजमेंट रिपोर्ट्स में आपके सॉफ्टवेयर में कुछ भी मल्टी डिलीशन करना है, या आपको एक ही साथ कुछ इसमें ऐड करना है, या एक्सेल से डेटा लेना है आपको, या कोई आप पुराना सॉफ्टवेयर पहले से यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि इसमें नाम भी दिए हुए हैं कुछ, टैली और बिजी, अगर आप यूज़ कर रहे हैं पहले से तो उनका डेटा आप इसमें ले सकते हैं। और क्रिएट हिस्ट्री में जो भी, अगर आपके पास 3 से 4 अगर स्टाफ है या जितने भी आपके स्टाफ हैं, अगर आप उनको यूज़र आईडी पासवर्ड देते हैं बना के इसमें, तो वो क्या क्या वर्क कर रहे हैं इसकी पूरी रिपोर्ट आपको मिलती है। कभी भी वो कोई बिल डिलीट करते हैं या कोई भी बिल मॉडिफाई करते हैं, तो वो उन सब की रिपोर्ट्स आपको मिल जाती है। अब सबसे बड़ी चीज जो है आपके इसमें बारकोड जनरेशन का, इसमें बारकोड जनरेशन के लिए आपको जाना पड़ता है सेल फॉर्मेट में, आप और यहाँ पे आपको करंट डेट डालनी होती है। और बारकोड जनरेट करने के लिए सबसे पहले आपको बारकोड का सेटअप करना पड़ता है, जैसा कि आप देख रहे हैं बारकोड फॉर्मेट, और ये सेटअप आपका वही करेगा जो मार्क से रिलेटेड टेक्निकल पर्सन होगा वही करेगा, जिनसे आपने खरीदा है या फिर कस्टमर केयर पे आप कॉन्टैक्ट करेंगे तो वो आपका ये सेटअप करेंगे वन टाइम। तो जैसे ही आप सेटअप कर लेंगे तो जो भी आपके कुछ जो वैसे प्रोडक्ट होते हैं जैसे आटा, चावल, दाल, जिन पे बारकोड नहीं होता, आप इनको पहले से ही इकट्ठा जो है बोरियों में जो है परचेज करते हैं और अपनी पैकिंग बना के और उसके ऊपर जो बारकोड लगाते हैं, तो वो आप लगा पाएंगे। सबसे पहले आपको सेटअप करवाना पड़ेगा इसके लिए। तो इसमें एक आपको डैशबोर्ड मिल जाता है जिससे आप ये पहचान पाते हैं कि जो पूरा का पूरा आपका पूरी इन्वेंट्री है, चाहे पार्टी है, चाहे कस्टमर है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देख पाते हैं कि कौन सा आपका अच्छा कस्टमर है, कौन सा रिपीट कस्टमर है, जिससे आप कस्टमर को एक लॉयल्टी दे सकते हैं, ऑफर्स उसके लिए अलग से रख सकते हैं। ये पूरा का पूरा यहाँ पे एक डैशबोर्ड है। अब जैसे ये हावरली सेल है कि 16 घंटे के अंदर इतनी सेल हुई है, जैसे कि अभी हमने एक बिल काटा है, उसके बाद इसमें हावरली ग्रोथ अप कि आपके कितने घंटे में कितनी ग्रोथ में आपको मिल रही है, एरिया समरी, अगर आप पूरा प्रॉपर एरिया डालते हैं हर कस्टमर का तो वो बताएगा कि किस एरिया से आपको कितनी सेल्स मिल रही है और कितनी ग्रोथ मिल रही है और कितनी ग्रोथ डाउन है अगर अगर कभी सेल नहीं आती तो। रूट सेल्स है, कंपनी ग्रोथ है कि जैसे कि आप ये देखना चाहें कि आप जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, जैसे बहुत सारी कंपनी है, जॉनसन है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, तो ये आपको बताएगा कि कौन सी कंपनी है जिसका प्रोडक्ट अच्छा सेल आउट हो रहा है आपकी दुकान में। तो ऐसे जो है बहुत सारे यहाँ पे आपको ग्राफ्स मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप ये पहचान पाएंगे कि आपका कौन सा कस्टमर है जो ज़्यादा रिपीट हो रहा है, या फिर ऐसा कौन सा वेंडर है जिनसे आप माल खरीद रहे हैं ज़्यादा। तो जो भी आप कभी ऑफर्स वगैरह अगर चलाएं तो आप इनको वो ऑफर दे सकते हैं। तो ये आपको सारा का सारा मिलेगा डैशबोर्ड के अंदर। उसके बाद कुछ भी अगर आप ये सॉफ्टवेयर लेते हैं और अगर आपको कोई भी इशू आता है तो यहीं पे आप जो है मार्क केयर पे क्लिक करेंगे, या फिर सपोर्ट टिकट आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, फिर ऑटोमेटिक मार्क का पर्सन आपको कॉल करेगा, या रिमोट सपोर्ट पे दे सकते हैं, या जो भी उनके वेबिनार चल रहे हैं पहले से उन पे क्लिक करके आप डेट एंड टाइम देख के वेबिनार को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई ऑप्शन इसमें नहीं मिल रहा तो सर्च मेनू पे आप क्लिक करें और आप वही ऑप्शन टाइप करें, सपोज कि आपको सेल रिटर्न नहीं मिल रहा और यहाँ पे आप सेल रिटर्न लिखते हैं तो ये आपको बता देगा कि ये कहाँ है, उस पर आप क्लिक करके डायरेक्टली इसको ओपन भी कर सकते हैं तो डायरेक्टली ओपन हो जाएगी अगर कोई ऐसा ऑप्शन आपको नहीं मिलता तो। तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं इसके अंदर, ग्रोसरी से रिलेटेड बहुत ऐसे फीचर्स हैं। अगर कुछ और भी अगर आपको जानना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छी लगी होगी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।